ईशांत शर्मा के बारे में बात कर लेते हैं। अब नया डेब्यू करने वाले हैं, लंबे समय से दूर हैं वो मैदान से और मैदान पर उनकी फिर से वापसी होने वाली है। अब वो कमेंट्री करते हुए आपको नजर आएंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में जो सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज होगी, उसमें ईशांत शर्मा कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे और अपने दोस्त विराट कोहली पे जो है वो नए नए फैसले सुनाते हुए नजर आएंगे। नई नई बातें, नए नए किस्से और बचपन के किस्से, दोनों बचपन के दोस्त हैं, जरूर सुनेंगे। मजेदार किस्से सुनने को मिलेंगे फैंस को। और इंडिया वेस्टइंडीज के दौरे पर कई बार ईशांत शर्मा गए भी हैं और पिछले कुछ दिनों से वो विराट कोहली से जुड़े हुए कई किस्से भी साझा कर चुके हैं। तो और 2021 में लास्ट टेस्ट मैच खेला था उन्होंने, कानपुर में खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ में। बिल्कुल। और वनडे तो खैर बहुत दिन हो गए, 2016 से वनडे नहीं खेला उन्होंने, तो कह सकते हैं कि अब बिल्कुल ढलान पर है। 105 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 100 टेस्ट खेल के और क्या चाहिए आपको, इतना बड़ा सम्मान, बहुत बड़ी उपलब्धि। ज़हीर खान जैसे दिग्गज को 100 टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला। सही बात है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसने भी मुझे विराट कोहली का हाथ लगाया, विराट कोहली ने बहुत मौके दिए यहाँ पर ईशांत शर्मा को। बिल्कुल, धोनी ने भी दिए। और अगर हम इनके स्टैट्स देखें ईशांत शर्मा के, तो 105 टेस्ट मैचेस में मुझे लगता है कुछ 300-350 ही विकेट हैं। बिल्कुल। और ये बहुत औसत से भी कम, मैं कहूंगा औसत दर्जे से भी खराब स्टैट्स हैं किसी के लिए भी, मुझे क्योंकि 90-91 टेस्ट मैचेस में इनसे ज्यादा विकेट, ढेर सारे विकेट इनसे ज़हीर खान के ज्यादा। बिल्कुल, मुझे तो आज भी याद है जब ये पहली बार गए थे 2007-08 में ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए, तब मैं इनके घर गया था, मैंने इनका इंटरव्यू भी लिया था वहाँ जाकर। अच्छा। इनका घर पटेल नगर पड़ता है यहाँ पर, अब तो कह शिफ्ट कर लिया यहाँ से उन्होंने जो है।